सतगुरु साहिब सत कबीर बंदी छोड़ महाराज को आचार्य सर्व बंदी छोड़ श्री ईसा संत महाराज को सर्वभंगी छोड़ स्वामी दीपानंद जी महाराज को सर्वभंगी छोड़ स्वामी रामानंद जी महाराज को सर्वभंगी छोड़ स्वामी रामदास जी महाराज को सभी संत महापुरुषों को सतगुरु कृपा दया के चरणन में वंदन करूं गुरु शरदा भाव गुरु चरणन में वंदना प्रथम करूं श्रीनाय बिगड़ी जन्मय अनेक की गुरु बिन को नित ही दंडवत वंदना नित करूं प्रणाम चरण कमल गुरु देव के दुख कबीर गुरु के सुमरण मात्र से ओ नासत निधन काते शरद हरण धावत है नमो परम गुरु शरद में नमो संत भगवंत श्री सतगुरु रामानंद जी तुमको बोले श्री सतगुरु भगवान की श्री हरिंदर दास जी महाराज परम सत्कार योग हमारे बीच में पालन से पधारी बिमला भाई जी सावित्री भाई जी और आज की इस सुंदर मेला में उपस्थित गुरु जी प्यारे सत्संग जी और हमारे आज का सत्संग के जननायक हमारे आविराम जी आज हम सभी स्वामी रामदास जी महाराज जी की 27वीं श्रद्धांजलि सभा में सभी यहाँ उपस्थित होकर के काफ़ी देर से सत्संग का आनंद ले रहे हैं संतों के दर्शन कर रहे हैं दर्श परस पर मंदिर पाना कठिन पाप कहीं वेद पुराना संतों के दर्शन मात्र से भी जीव को शांति का अनुभव होता है। अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे कि रामदास जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। कबीर साहब जी कहते हैं आऊंगा ना जाऊंगा मरूंगा ना जीऊंगा हरि की वजन प्याला प्रेम रस पीऊंगा। संत कभी जाते नहीं है। देखो शरीर जो है दादू साहब कहते हैं ठीक का पूर्ण हो जब सब को तो शरीर वो दादू का लगा दे नहीं देते जो नाम कभी
संत कभी दुनिया से जाते नहीं हैं। ये जो साकार रूप में जो शरीर है, ये जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के नायक थे, इन्होंने भक्ति का मार्ग चलाया। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद आए और करी है कबीरा भरपूर, पूरे विश्व के अंदर उन्होंने भक्ति फैलाई और भक्ति का प्रचार किया। और काफ़ी जो रूह जिन्होंने उनके वचन को माना, उनको परमात्मा से जोड़ा, भक्ति से जोड़ा, ये साकार रूप शरीर तो उनका भी नहीं रहा। और यदि सदगुरु को यदि दीदार करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो नूरी रूप में देखो उसको। जब भी हम कभी ध्यान अवस्था में बैठते हैं, अपनी चेतना को अंतर्मुख करके और अपनी चेतना को दस्य विदार में जाकर के हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगा बैठो दूरी पद में, मत भटको माया के मन में, वो संकर्ण देखा विहद में साझा है आप शरीर। तो उस सदगुरु को, वाहेगुरु को जो है हम अपने अंदर में देखें नूरी रूप में, तो सदगुरु का दीदार अवश्य होगा। सदगुरु कहीं जाते नहीं हैं, और वास्तविक देखा जाए तो सदगुरु जो है वो गुरु हमारा शब्द है, जो सदा हमारे संग। तो शब्द कभी मरता नहीं है, हम हैं अमर मरे नहीं कबू हमरो दूर खुदा को, साधो भाई देखा आज बजा को। हम कभी जीव का जो शरीर है, वस्त्र जो है, जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, मैला हो जाता है, कई बार हम कोशिश करते हैं उसको धो के फिर दोबारा प्रेस कर लेते हैं, फिर पहन लेते हैं, लेकिन आखिरी वजह उसको भगाना पड़ता है। कोई शरीर ऐसे ही, सभी का शरीर ऐसे है कि पांच तत्व का जो शरीर जो भी है, ये तो एक सभी का जाएगा जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन जो सदगुरु दृष्टि से ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है, शब्द व धरती, शब्द व आकाशा, शब्द व शब्द भया प्रकाश, तो वो का शब्द जो है कभी मरता नहीं, वो हर प्राणी के साथ में, हर जीव के अंदर है। और ये जो भी कुछ हम आकार देख रहे हैं, सभी उस शब्द की ही रचना सारी है। तो शब्द कभी मरता नहीं है, इसलिए सदगुरु जो है वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। जैसे बच्चा, जो छोटा बच्चा जो होता है, जब पैर चलने सीखता है तो बच्चा धीरे धीरे जाएगा, माता उसके पीछे पीछे रहती है, कभी अग्नि में हाथ ना लगा दे, कभी किसी तार को ना पकड़े, कभी किसी पानी में ना गिर जाए, तो हमेशा माता उसके पीछे पीछे रहती है। इसी प्रकार जहाँ संत जन पग रहे वहाँ धरू मां हाथ, और पीछे पीछे यूँ फिर जैसे गऊ बच के साथ। इसी प्रकार परमात्मा जो वाहेगुरु, वो हमेशा हर जीव के साथ में अनुसंग रहते हैं, सब उसकी हर प्रकार से उसकी देखभाल करते हैं, हर प्रकार से उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन हम दुनियादारी के लोग, हम हैं कृतघ्नी, हम फिर उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। हमें थोड़ी सी कोई सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है, थोड़ा धन मिल जाता है, अच्छा मकान बना लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं परमात्मा ने क्या किया हमारा, जो कुछ किया सब हमने किया है। वो हम अपने आप को जब श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए हम बार बार परेशान होते हैं, बार बार दुनिया में आना और जाना ये लगा रहता है। और तो यही हमारे अंदर जो मैं है, बस इसी को मैं मिटा करके, मैं छोड़कर तुही तुही जब तो पर मैं कुर्बान हुआ, और जिसकी मैं तो मिल गई वही भगत भगवान हुआ, जिसके अंदर मैं मिट जाती है, और जो तुही तुही रखना शुरू कर देता है। बकरे मैं भगवान कटाया शीश, बकरा अगर मैं नहीं करता तो उसके कर्म छोड़ नहीं पड़ती। और जब जो है मरने के बाद में, एक पहले जो है दुर्दाई भरते थे, उसको बोलते थे पिनारा, दुनकारा भी बोलते थे, तो रोगी की दुलाई करके और दही भरते थे, बहुत बढ़िया बसी का जमाना आ गया सारा। और जब उसके ऊपर जो है बकरे की आँख की जो है तार बनाई जाती थी, बकरे की जो आँख होती थी उसकी तार बनाई जाती थी, और उस तार को जो है ऊपर बांध करके और उस पर जो है सोटा लगता था, तो सोटा लगने के बाद वो तुम ही आवाज ही करते उसमें, और रोई को पील करके और दही और गद्दे भर जाते थे। तो इसी प्रकार जब सोटा लगता है, जब तुम ही बोलते हैं सारे, अगर बिगड़ देने भी करके बोल दें तुम ही तो सोटा की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो भी संत दुनिया में हुए हैं, संत जो है आप जपे और रण को जपाए, कहो नानक ऐसे जन से मुक्ति पाए। आप प्रभु का नाम जपया
और जितने सारे लोग बैठे हैं सबको आप अपने चरणों साथ जोड़ दिए गए हैं, परमात्मा जोड़ने के लिए इशारा कर दिए गए हैं। तो ऐसे जो महान पुरुष होते हैं उनकी रहनी और सहनी जो है वो हमेशा यह कितनी बनी रहती है। बोलने की मैं जोहारी नाम का प्यारा रे, उनकी मेहंदी अपार जगत में जोहारी नाम का प्यारा रे, जोहारी नाम चढ़े सतयुग पर प्रिय का वचन नकारा।
उतर चल पारा रे। जैसे कमल का जो फूल होता है, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में पैदा होता है और किसी पानी तरस लेता है, लेकिन उसके ऊपर पानी की कभी बूंद नहीं रुकती। इसी प्रकार जो प्रभु की भक्ति करने वाले जो जन होते हैं, वो संसार में रहते हुए जैसे किस्तूरी वाला जो मृग होता है, जिस मृग के नाल में जो किस्तूरी होती है, वो मृग हमेशा मृगों के डाल में रहते हुए उनसे कुछ थोड़ी अलग से रहता है, वो कि वो अपनी मस्ती में रहता है। इसी प्रकार हाथी जो होता है, हाथी के सिर में मोती होता है, वो जिस हाथी के सिर में मोती होता है वो भी उस अपने झुंड से अलग रहता है। और एक मोती जो सूरी होती है, सूरी के सिर में भी मोती होता है, वो भी अपने झुंड से अलग रहती है। इसी प्रकार जो संत जो होते हैं, जो प्रभु की भक्ति करते हैं और जिनको संतों का दर्जा दिया गया है, वो संसार में रहते हैं, संसार से ऊपर रहते हैं, कभी वो संसार में लिप्त नहीं होते। जैसे हमारे गुरुदास ने बताया कि मन चंगा तो कठौती में चंगा, जिनका मन चंगा है संत वही हैं, जिनका मन पवित्र है, जिनका मन चंगा है, जिनका मन विकारों के साथ में लिप्त नहीं होता। और वही जगत में जीव के मरे भी सुनाते हैं वाणी, जो मेरे जीव जी के लगे शब्द की चोट बड़े वो जीव के भाई, मरना मरना सभी कहे और मरना नहीं जाने कोई, ऐसा मरना जो मरे फिर दोबारा मरना ना हो। और वो कौन मरते हैं, जो संत जो होते हैं, जिनकी वासना खत्म हो जाए, वासना को बीज बसर कर बंदे, वासना बीज बसर कर बंदे गृह बराग जगा कर, जो ग्रह की जब अग्नि जब अंदर से उत्पन्न होती है, हमारे अंदर जितने जो पाप कर्म होते हैं और जो वासनाएं होती हैं, वो किसी बाहर के एडमिशन नहीं जलते। अंदर जब ग्रह की अग्नि जब अंदर से उत्पन्न होती है, जब अंदर से परमात्मा से मिलने की तड़प होती है, और जब अंदर से ग्रह की अग्नि जब पैदा होती है, और जब जीव अपने किए हुए कर्मों के ऊपर जब पश्चाताप जब रोता है, और जब उसकी आँखों से जब आँसू आते हैं, उस देश में उसके गौर सब पापों से मुक्त हो जाता है और दुनियादार से वो अलग हो जाता है। वासना बीज बसर कर बंदे प्रेम राज कर अपना स्वरूप देख अपने में गुरु चश्मा लगाते, ऐसे जो संत होते हैं। जैसे सूर चढ़ेगण माही बांध सकता क्यारा रे, और बाकी सूरत रह लगने में और प्रेम मगन मखमा रहे। यदि वो दुनिया की तरफ देखेगा औरों की तरफ देखेगा तो कभी आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य केवल आगे होता है, बगल में कौन है, दुश्मन है या कोई और परिवार का कौन है, नहीं, उसका सिर्फ निशाना आगे होता है दुश्मन के ऊपर। इसी प्रकार हमारे जो दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे दुश्मन हैं, इनको मारने के लिए हमारे पास में शब्द का हथियार होना चाहिए। ये शब्द का हथियार हमारे पास में है तो हम अपने दुश्मनों को विजय प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो झगड़ा आवागमन का जय के लिए का नाल बहुत महदावत सजा तो सुंदर गोपाल गोपाल। ऐसे ही हम भी ऐसी दुनिया में आ रहे हैं और ऐसे चले जाएंगे, जैसे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। जैसे सती जड़े सतों पर और पीर का बचने कार्यालय, सती जो होती है अपने पति से कभी बेमुख नहीं होती, और जो गुरुमुख होते हैं
रात में जो पक्के जो शिष्य होते हैं, उनके जो गुरुमुख होते हैं, वो अपने गुरु का कभी बचने का उल्लंघन नहीं करते। जो भाई गुरु मंत्र में करते हैं करते हैं फंड चौरासी में, एक महम के पास में कोई एक किलोमीटर में एक जोड़ी रहती, और भाई नाथ जी रहते थे, तो नाथ जी के पास में एक उनका चेला रहता था। तो नाथ वैसे तो धुमन पान ज़्यादा करते हैं, थोड़ा उसमें क्रोध ज़्यादा होता है धुमन पान करने वाले आदमी जो दशा पता करते हैं, तो किसी बात के बल वो अपने चेले से कहना गया रहे भले आदमी इस आ जाता तो कुआं पड़ के मर जाए तो तित्रियान कर जाएगी। लोग गुरु जी लो जब आपने कह रहे आपका के वचन कहा नहीं है तो अपने कुएं के बाहर डाक मार दिया। ये बात में सत्ता ही है, ये उदाहरण की बात नहीं है, ये हमारे देखने की बात है। ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। हम नाथ जी के पास में जाते थे, वहाँ नए में जब कभी सत्संग होता तो वहाँ घूमने जाते थे, सुबह नाथ जी के पास में चाय पी जाते थे, तो उसमें की बात करें तो वास्तव में वही है जो गुरु के बच्चे जो कुछ भी गुरु ने कह दिया, कभी ईश्वर किंतु परंतु लेकिन अगर मगर ही ना करें, जो भी कुछ गुरु ने कह दिया बस बेधड़क होकर के इस पर छलांग लगा दें। क्या तो हैं हम गुरु के शिष्य, और यदि थोड़ा सा यदि सुख मिल गया कोई और अच्छी बात मिली तो गुरु जी बाबा गुरु जी बहुत अच्छे, और थोड़ी कठिनाई आ गई तो गुरु जी मुँह कर देते हैं। जैसे सती जगह सद ऊपर पिया का बचने तारे आ रहे, और आप तेरे तारे और उनको तार दिया कुल तारे कुल का उद्धार कर देती है। एक संत दे किसी परिवार में पैदा हो जाए तो महाराज जी कहते हैं एक हेली आते हैं उसमें 101 पीढ़ी करीब मारी हेली जे को तारण हो। यदि कोई एक जीव यदि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ जो है कभी बिगड़ बजने के लिए जो है कि दुनिया के पार हो जाती है। इसी प्रकार जिस कुल में सती होती है वो सती भी जो है 21 पीढ़ी अपने नानके अपने इसकी मैके की और 21 पीढ़ी अपने ससुराल की 42 पीढ़ी का उद्धार कर देती है एक सती से कुल में हो जाए। लेकिन आ तो सतियों की बात ही छोड़ो, आ तो जाकर देखो शहरों के अंदर बस अड्डे पर या चौराहे में बड़े बड़े खड़े खड़े गोलगप्पे खा रही हैं, हैं नाम पूछे भी नाम क्या है जी आपका कि लाजवंती, नाम लाजवंती खा रहे गोलगप्पे जब बाजार में खड़े होके। तो ये हमारे पति वर्ता बहनों की हालत ये ऐसी हैं, जगह जगह आज जो है गोलगप्पे खा रहे हैं, कहीं समोसे खा रहे हैं, कहीं चाउमीन खा रहे हैं, बाजार में आज दुनिया भर रेड़ियाँ लगी हुई हैं, घर में कोई खाना नहीं खाता, कभी आज बच्चे का जन्मदिन इधर होटल में खाना खा जाएंगे, आज हमारी सालगिरह होटल में खाना खा जाएंगे, और होटल के हाथ में खाना खाते पहले उनके संस्कार को देखो कैसे संस्कार हैं, मुंह में बीड़ी है हाथ रोटी बना रहे हैं, बैग लगा रहे हैं और रोटी बना रहे हैं, मांस खा रहे हैं रोटी बना रहे हैं, उनके हाथों में जब हम भोजन पाएंगे तो हमारे अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे। हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा देखिए संस्कार बच्चों में, संस्कार और बच्चों में, अब बच्चे जब पैदा होते हैं पहले होटल में जाके उसका जन्मदिन मनाते हैं तो संस्कार कहाँ से आएंगे। दूसरा बच्चा अगर होता है तो माँ सोचती है कि कौन आफत में बोल लेगा, मोबाइल चला के हाथ में दे दिया मतलब बच्चे देख ले इसको, और जब मोबाइल बच्चा देखेगा तो संस्कार कौन से आएंगे, संतों वाले आएंगे या मोबाइल वाले संस्कार आएंगे। तो संस्कार की दुकान में थोड़ी मिलते हैं, संस्कार तो संतों के पास मिलते हैं, संता से भी दोस्ती संसार से नहीं, उनको संस्कार नहीं, संता से भी दोस्ती संसार से प्यार उनको शंका है धर्मराज दरबार। महाराज गरीबदास जी कहते हैं जो संतों से प्रेम करते हैं संतों से नहीं करते हैं और संसार के भी लोगों सबसे प्यार करते हैं उनको कहते हैं कि धर्मराज दरबार में किसी शंका की जरूरत नहीं, उनको बेपरवाह होकर के और अपनी यात्रा करनी चाहिए। संता से भी शत्रुता और संसार से नहीं, उनको जब ऐसे मारेंगे मुख में देकर खे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं ये बात, उनको ये ऐसे मारेंगे जैसे मुँह के अंदर मिट्टी भर करके। तो संतों से द्रव करेंगे संतों से प्यार करना सीखो, गरीब दया दिलो मरा के हरदम से प्यो नाम और संत समागम की दियो तेरा हंस पुत्र धाम। दिल में दया भाव होना चाहिए और संतों से प्रेम होना चाहिए और हृदय से उस परमात्मा जो गुरु ने हमें बताया है जो मार्गदर्शन करा उस पर चलता रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज श्री महाराज रामदास जी की 27वीं यहाँ बैठ करके हमारे आदि राम जी की रहनुमाई में बैठ कर सिर्फ ने सत्संग का आनंद या सत्संग का लाभ उठाया और हम भी श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि उनके चरण अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो साधो साथ साहे।